namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Narayanam namaskritya. Naram chaiva narottamam. Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udhiraye Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya namo namaha. तो जैसे आप सबको सूचना प्राप्त हुआ है कि ये पुरुषोत्तम मास के द्वितीयार्ध में ये कथा के आयोजन किया रखा गया है. ऐसे तो प्रभु जी की इच्छा था कब भी करें, लेकिन हमारे महोदय रुक्मिणी कृष्ण प्रभु के इच्छा था कि उसको और अच्छा बना जाए. पुरुषोत्तम मास को चुने, इस समय को चुने और इस प्रसंग को भी उन्होंने चुने, मैंने नहीं चुना था, ये उन्हीं का ही आदेश है. हम तो प्रारंभ करने जा रहे हैं. अब ऐसे भी श्रीमद् भागवत में साक्षात भागवत के बारे में कहा गया है. स्वयं व्यास जी ने कहें कि भागवत जो है वो जूस है, फ्रूट जूस. निगम कल्प तरुर फलम, ये फल रस है. और कैसे फल है ना, गलितम फलम. निगम कहते हैं संपूर्ण वैदिक शास्त्र को. अगर वैदिक शास्त्र ये कल्प वृक्ष हो और उसके पेड़ में पका हुआ जो फल हो, कार्बाइड देकर नहीं, बिल्कुल नेचुरली पेड़ से पका हुआ, वो एक बार पक चुका है गलितम फलम, उसका रस, उसको अगर कोई आस्वादन करता है, चाहे ऊपर से, नीचे से, बाएं से, दाएं से, साइड से, कहीं से खाए, कुछ अलग अलग टेस्ट होगा क्या? यही टेस्ट है. तो इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण पके हुए वैदिक कल्पवृक्ष के फल है. तो उसको कहीं से भी खाओ, स्वाद तो वही है, उसमें कहीं अंदर नहीं है, तो कहीं से स्वाद लो. तो भागवत को फलरस कहा गया क्योंकि फल रस को पीने के लिए थोड़ा आपको बड़ा होना पड़ेगा. बच्चे फल के जूस नहीं पी सकते हैं. छोटे संतान जो हैं वो दूध पीते हैं, फ्रूट जूस पीने से पेट खराब हो जाएगा उनका. हाँ, तो ये जो है पारमहंस संहिता, ये जो पके हुए ऐसे समझे व्यक्ति को ले है, बच्चों को ले तो दूध पीते हैं, बच्चे फ्रूट जूस थोड़ी पियेंगे, नहीं. तो दूध क्या है, ये तो जूस है, ये तो सबके लिए नहीं है. तो जूस के लिए बोले जूस, तो ये हुआ दूध, हुआ भगवद्गीता. भगवद्गीता के लिए कहा गया है सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवश्च सुधीर भुक्तां दुग्धं गीतामृतं महत. ये अमृत रूपी गीता ही दूध है, क्योंकि वहाँ भी यही कहा गया जैसे सब वेद साहित्य निगम कल्पतरु वृक्ष हुआ उसका फल, तो वहाँ सर्व उपनिषदो गाव, यहाँ सारे वैदिक उपनिषद को गाय के साथ तुलना किया गया. अरे उपनिषद रूपी गाय, गाय से वस्तु तो दूध निकलते हैं, उस ये गाय से साधारण ग्वाला दूध हम भी सेट्रायल करके निकाल दें, ये तो कोई साधारण गाय है नहीं. संपूर्ण वैदिक साहित्य उपनिषद सब गाय बने, उससे कौन दूध निकालेगा? बोले इससे दूध निकालने वाले ग्वाला तो केवल गोपाल नंदन, दुग्धा गोपालन, दुग्ध दूने वाला साक्षात भगवान कृष्ण. वैदिक उपनिषद रूपी गाय से दूध निकालने वाले ग्वाला बने कृष्ण. केवल गाय हुआ, दूध निकालने वाला ग्वाला आया, दूध तो तभी नहीं निकलेगा, बछड़ा चाहिए. बछड़ा को उन्हें न पार्थ वत्स,
अर्जुन बने बछड़ा। अब दूध निकलेगा, दूध को पिएगा कौन? बोले बछड़ा भी नहीं पीता है, ग्वाला भी नहीं पीता है, वो गाय भी नहीं पीता है, आप लोग सब पीते हैं सुधीर भक्त। तो इसलिए गीता है दूध, वो प्रिलिमिनरी स्टैंडर्ड का है, उसके ऊपर में ये तो प्रभुपाद जी ने कहते हैं ये है हाई स्कूल स्टैंडर्ड है गीता, और भागवत है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, और चैतन्य चरितमृत पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। तो ये सडिजन वो दिए हैं, तो इसके लिए ये जूस है। अभी आगे पोस्ट ग्रेजुएशन को क्या कहा जाएगा, अभी जब आएगा समय तो बताएंगे। तो इसमें से ये जो प्रसंग प्रभु जी ने चुने, ये षष्ठ स्कंद है, पूरे भागवत अब जानते 12 स्कंद है, वो बिल्कुल बीचों बीच पकड़े। अगर किसी चीज़ से माल निकालना है तो बीच से हाथ डालकर निकालना होगा, इधर पक्का कच्चा का ही रहा होगा, बिल्कुल बीच में हाथ डाले सठा स्कंद में, और सठा स्कंद का बिल्कुल बीच में ही, इसके स्कंद को भी आगे पीछे नहीं, बिल्कुल बीच जो 5 अध्याय है 7 से लेकर 12 तक, जिनमें वृत्रासुर प्रसंग वृत्रासुर उपाख्यान का वर्णन है। अलग अलग पुराण में भागवत का जब गुणगान किया गया है उसमें कहा गया कि भागवत तो वो पुराण है जिसमें वृत्र उपाख्यान वर्णित थे, वृत्रासुर को उपाख्यान। बोले क्यों? ना रे, ऐसे भयानक असुर, वो भी इतने बड़े भक्ति किया भगवान को, वो भी युद्धकालीन भित्ति में लड़ाई के मैदान में मरते मरते लड़ाई करते करते ऐसे जो भक्ति प्रदर्शित किया, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा ना कभी हो सकता है। तो इसलिए ऐसे अद्भुत घटना प्रसंग जिसमें वर्णन है वृत्रासुर के प्रसंग, वही भागवत महापुराण है, बाकी कोई पुराण में ऐसे प्रसंग वर्णन नहीं मिलता। मतलब अभी तक जितने पुराण लिखा गया संयोजन किया गया, कोई भी पुराण ऐसा ही प्रसंग नहीं है कि ऐसे अद्भुत भाव जिसमें वर्णन हो, ऐसे बिल्कुल विरोधी भाव संपन्न। इंद्र के साथ युद्ध करके मारना चाहता, सारे देवता ऋषि सब उनको मारने के लिए चाहते, बचना चाहते, और उसका अंदर ये दृढ़ भक्ति देखा गया, ये अति आश्चर्य है, ये अति रोचक विषय है। इसलिए अन्यान्य पुराण में कहा गया कि भागवत का विशेषता ये है, इस पुराण में वृत्रासुर उपाख्यान वर्णन है, बड़े अद्भुत प्रसंग है असुर की भक्ति। तो वृत्रासुर उपाख्यान की शुरुआत हम प्रयास करते हैं कि वृत्रासुर को तक वहाँ वध तक ले जाएं, तो ये 5 अध्याय है, प्रयास करते हैं। तो ऐसे कथा शुरुआत होता है कि जब अंश वर्णन कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते बताते चले गए कि ऐसे ऐसे दत्तकुला कह बोले कि जो दैत्यों की एक सिस्टर थी जिनका नाम थी रोचना, उन्होंने एक देवता को शादी किया। बोले कभी कभी होता है, इस पार्टी के इस पार्टी में संबंध हो जाता है। भगवान ने जब से सृष्टि किए तभी से दो पार्टी किए, एक सूर एक असुर, एक देवता एक दानव, है ना? नहीं, वो पहले से, और एक दूसरे से हमेशा एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, बिल्कुल आंटी पार्टी है। मतलब इससे ही पता चलता है भगवान जो भी करते हैं निश्चित पूर्ण रूप में सब कुछ करते हैं। तो पूर्णता में निश्चित रूप से अपोजिशन होना आवश्यकता है, अपोजिशन के बाद बिना पूर्णता नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने सृष्टि में शुरुआत में विरोधी दल रखे, देवता और दानव को सृष्टि किए, वो आपस में लड़ते झगड़ते एक दूसरे देखते, अरे बोलते हैं कि भैया उनको कहा है मेरे पीछे, उनको क्यों बनाए, नहीं बनाना जरूरी है, क्यों नहीं, शत्रु और विरोधी पक्ष के लोग अगर नहीं होंगे तो हम अपना सुधार नहीं कर सकते, हम अपना गलती अपने आप नहीं देखते कभी, और जो अपना पार्टी के लोग हैं वो तो हम जो भी करें ताली बजाएंगे, अच्छा करे बुरा करे, तो हम सुधरेंगे कैसे? तो कोई विपक्ष लोग होंगे तो मैग्नीफाइंग लेंस से हमको देखेंगे गलती, हैं ऐसा किया, हाईलाइट करेंगे, तब हम अपना सुधार कर सकते, चेक एंड बैलेंस कर सकते। तो इसलिए भगवान बात को जानते हैं, इसलिए अति आवश्यक है हमारा जन्म को, हमारे चरित्र को, हमारे कार्य को अगर हम सही सही सुधारना चाहते हैं तो विरोधी व्यक्ति होना अति आवश्यक है।
वो हमारे वास्तव के मित्र के जैसा काम करते हैं, हमारे सारे दुर्गुणों को साफ करते हैं। तो इसलिए भगवान ने व्यवस्था कर किए हैं शुरू से। तो लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहे कि दैत्यों की बहन रोचना और देवताओं के वंश के ब्राह्मण जो थे त्वष्टा, उनके साथ शादी हुआ। बोले हुआ कैसे, जैसे तैसे हो गया, ये आंटी पट्टी है एक दूसरे के, लेकिन शादी हो गया। बोले हुआ तो क्या हुआ, ना हुआ तो क्या हुआ कि एक अद्भुत घटना हुआ। एक तो उनका रोचना के दो पुत्र हुए त्वष्टा के साथ में, एक सन्निवेश और एक विश्वरूप, दो पुत्र हुए। उनमें से विश्वरूप जो थे बड़े उत्कृष्ट ब्राह्मण हुए, बड़े तपस्वी हुए, बड़े वेदज्ञ हुए। और एक समय ऐसा आया, सुखदेव जी कहे कि उनको देवताओं के गुरु बनना पड़ा। भगवान वाले क्यों, देवताओं के गुरु, ये तो बहुत जूनियर है, त्वष्टा के पुत्र है। बोले हाँ क्यों, क्यों देवताओं के गुरु तो बृहस्पति है। बोले हाँ तो हैं, लेकिन एक ऐसा समय आया बृहस्पति ने इंद्र को त्याग दिए, देवताओं को छोड़ के चले गए, देवता लोग गुरुहीन हो गए। गुरु के बिना जो उनको तकलीफ हुआ तो दौड़ कर गए ब्रह्मा जी के पास, तकलीफ क्या, हार गए, असुर लोग उनको मार पीट कर भगा दिए। तो जा करके ब्रह्मा जी के शरण में गए तो ब्रह्मा जी ने उनको बताए कि जा करके दूसरे गुरु। तो जैसे प्रसंग को बोले, ये षष्ठ अध्याय के षष्ठ स्कंद के षष्ठ अध्याय के अंत में प्रश्न, तो परीक्षित महाराज बोले बाकी बात सुनूंगा बाद में, बोले सबसे पहले बताओ देवगुरु बृहस्पति क्यों देवताओं को त्याग दिए, क्या ऐसे हुआ। देवता तो देवता है, कोई आदमी तो है ही नहीं कि ऐसे ऐसे झगड़ा झाटी करते हैं, ऐसे करते हैं, उसका अंदर होता, लेकिन वो सतगुणी होते हैं, वो तो जानते हैं मान सम्मान के विधि। तो वो बृहस्पति के साथ क्या खटपट हुआ कि उन्होंने बृहस्पति उनको त्याग दिए, ऐसा क्या हुआ, इस बात को ठीक से बताइए। तब षष्ठ स्कंद के सप्तम अध्याय के शुरुआत से जब ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछे तो इसके उत्तर से सुखदेव गोस्वामी डिटेल बता रहे हैं ये अध्याय में कि किस प्रकार देवता लोगों को आपने गुरु बृहस्पति त्याग दिए, ऐसा भी समय आता है और उसका परिणाम क्या हुआ। तो बताते हैं, कस्य हेतु परित्यक्ता श्री राजोवाच, राजर्षि परीक्षित बता, कस्य हेतु परित्यक्ता आचार्यणात्मनसुरा। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछे, हे महामुनि, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवताओं को परित्याग क्यों कर दिया, जो उनके ही शिष्य थे। देवताओं ने अपने गुरु के साथ ऐसा कौन से अपराध किया, कृपया मुझे इस घटना को विस्तीर्ण भाव से वर्णन कीजिए। श्री बादरायणी उवाच, बादरायणी व्यासनंदन सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए, इंद्र त्रिभुवन ऐश्वर्य मदो उल्लंघित सतपथ, कि इंद्र ने त्रिलोक ऐश्वर्य को प्राप्त करके मदमत हो गए और सतपथ को उल्लंघन किए। हे राजन, एक बार तीनों लोगों के ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित हो जाने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्र ने वैदिक आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। वे सिंहासन पर आसीन थे और उनके चारों ओर मरुत, वसु, रुद्र, आदित्य, रुभु, विश्वदेव, साध्य, अश्विनी कुमार, सिद्ध, चारण, गंधर्व तथा सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अतिरिक्त विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पतंग तथा उरग, सर्प आदि, पक्षी आदि, ये सब बैठे थे। वे सभी इंद्र की स्तुति और सेवा कर रहे थे और अप्सराएं तथा गंधर्व नृत्य कर रहे थे और अपने मधुर वाद्य यंत्रों के साथ गायन चल रहा था। इंद्र के सर पर पूर्ण चंद्रमा के समान तेजवान श्वेत छत्र ताना हुआ था, चावर डला जा रहा था और समस्त राजसी ठाट बाट सजा था। इंद्र अपनी अर्धांगिनी श्री शची देवी के सहित सिंहासन पर बैठे थे। तभी उस सभा में परम साधु देवगुरु बृहस्पति के
प्रवेश हुआ। सर्वश्रेष्ठ साधु बृहस्पति इंद्र समेत सभी देवताओं के गुरु थे और देवताओं तथा असुरों के द्वारा समान रूप से सम्मानित भी थे, तो भी अपने गुरु को समक्ष आते देखकर इंद्र न तो अपने आसन से उठे, न अपने गुरु को बैठने के लिए आसन दिया, न उनका आदर पूर्वक सत्कार किया, मतलब सम्मान सूचक कोई ऐसा कार्य नहीं किया। आपने बिल्कुल मशगूल थे, फेस्टिवल फेस्टिविटी चल रहा था, पार्टी बड़ा पार्टी चल रहा था और पार्टी में सारे लोग वो तो सबसे बड़े हैं, सबसे सीनियर अफसर हैं इंद्र, और सारे उनको सेवा कर रहे थे, नाच गान ये सब चल रहा था। इसी बीच में आचार्य बृहस्पति आए, इंद्र का नज़र पड़ा उनके ऊपर, ऐसा नहीं कि वो देखे नहीं थे, वो देखे क्योंकि विशेष आसन पर बैठे जो भी आते हैं उनको नज़र पड़ता है, लेकिन आँख पड़ते क्या हुआ, हम कभी कभी देखते हैं हम सामने बैठे हैं, अगर हमारा मन कोई और जगह में लगा हुआ है, कोई आया आपके सामने कुछ लेकर चला गया, अरे ये कहाँ गया, अरे आपके सामने तो आकर लिया, वो आए थे क्या, अरे आप तो बैठे थे आपके सामने, दिन में तो आँख तरह खुला था, आँख तो खुला था लेकिन मन साथ में नहीं था, अनमाइंडफुल था। अगर माइंड साथ में ना हो, आँख खुला होकर देख नहीं सकते, कान खुले होकर सुन भी नहीं सकते, मन साथ में होना जरूरी है। तो इंद्र यद्यपि आसन पर बैठे थे तो इतने बड़े पार्टी के आयोजन हो रहा था, इस प्रकार वो मच गए थे, उसमें मन उसमें लगा गया था, इस भोग विलास में, यद्यपि देखे कि गुरुजी आ रहे हैं लेकिन देख कर भी अनदेखी कर दिए उनके उचित सम्मान जनित कोई भी क्रिया, उठकर खड़ा होना, सर बैठे, नथिंग, कुछ नहीं किए, रह गए। और उनको देख करके बाकी जितने देवताओं बैठे थे, मांडे गण्य सारे लोकपाल देवता सब सभी बैठे हुए, सार बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, और किसी का नजर भी पड़ा लेकिन वो भी उठे नहीं कोई। तो इस घटना में समस्त देवताओं के एकमात्र गुरु थे बृहस्पति, सभी के चलाते, सभी उनके चले थे, तो गुरु होने के नाते उनको दंड देने का अधिकार उनको था, उन्होंने वहीं पर उनको अभिशप्त अभिशाप कर सकते थे, डांट सकते थे, कुछ कर सकते थे, लेकिन देखे कि रसाभास हो जाएगा, ये अभी मैं डांटूंगा तब भी और कुछ कर डालेंगे, पता नहीं किस मूड में है, अब तो मेरा कहना भी कुछ और हो जाएगा। तो इसीलिए बड़े विद्वान पुरुष थे, सुखदेव कहते हैं कि बृहस्पति बड़े साधु और बिल्कुल विद्वान पुरुष थे, किस समय उचित क्या कार्य करना चाहिए उनको भली प्रकार पता था। बोले यहाँ अभी अगर मैं उपदेश करूँगा ये मूर्खों को, वो उनके उपदेश ही काम नहीं करेगा, वो कुछ उल्टा पुलटा होगा, ये मूड उनका खराब है, बिल्कुल भोग सूर्य प्रसक्ता नाम द अभूत चेतसाम, उनका बुद्धि वृत्ति मारे गया है भोग विलास में, अब इसी समय उनको उपदेश क्या दूँ। तो इसलिए उन्होंने चुपचाप कुछ नहीं बोले, क्या बोलते हैं, स्वर्ग के राजा तब बृहस्पति ने क्या कहे, ततो निर्गत्य सहसा कबीर अंगस प्रभु, अंगिरास पुत्र बृहस्पति ने, बृहस्पति के सब कुछ ज्ञात था कि भविष्य में क्या होने वाला है, इंद्र द्वारा सारे शिष्टाचार के उल्लंघन को देखकर ये पूरी तरह समझ गए कि इंद्र ऐश्वर्य के मद से फूल उठा है। वे चाहते तो इंद्र को साप तो दे सकते थे किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, वे उस सभा से निकलकर चुपचाप अपने घर वापस चले गए। बोले ना यहाँ कुछ बोलना वोलना कुछ नहीं होगा, आपने करने दो, अपने घर वापस चले गए, जैसे आए थे ऐसे वापस चले गए। तब क्या हुआ, जैसे गुरुजी ने वापस घर चले गए, तरहेव प्रतिबुद्धेन्द्रो गुरु हेलनम आत्मन, अरे गुरु के प्रति अवहेलना, गुरुजी आए थे चले गए क्या, इंद्र तो देखा था, बोला तो गुरुजी आए चुपचाप बैठे होंगे, डांस देखेंगे, सीट तो खाली था, कोई सीट खींचकर बैठ कर डांस देखेंगे, लेकिन बैठे नहीं, इंद्र देखा था, थोड़ी देर में फिर नजर पड़ा, गुरुजी बैठे नहीं, कहाँ चले गए, जब देखा कि है नहीं, तुरंत उनको तुरंत चेतना आया, हो ना हो इंद्र तो है ना, तरहेव प्रतिबुद्धेन्द्रो गुरु हेलनम आत्मना गर्हयाम आस सदसी स्वयं आत्मनम आत्मना, स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुरंत ही आपने भूल समझ ली, जो बड़े आदमी होते हैं गलती करते हैं लेकिन गलती के एहसास तुरंत हो जाता है उनको,
तुरंत गुरु के गलती समझ ली। यह जानते हुए कि उन्होंने अपने गुरु के निरादर किया है, उन्होंने इस सभा के समस्त सदस्यों के समक्ष स्वयं ही अपना भर्सना की। देखिए ऐसे करते, जब इंद्र को पता चला कि तुरंत तेरे गुरु के प्रति अनादर हो गया, निरादर हो गया, वो चले गए, तुरंत सभी के सामने उस पार्टी के बीच में खड़े होकर के अपने को भर्सना करने लगे। कैसी भर्सना किए? अहो बत्मया असाधु कृतंग बई दभ्र बुद्धिना, अहो आपने अल्प बुद्धि के कारण तथा भौतिक ऐश्वर्य के बस में होने के कारण मैं किए क्या कर लिया? जब मेरे गुरु इस सभा में प्रविष्ट हुए तो मैंने उनका सत्कार भी नहीं किया, सचमुच मैंने उनका निरादर ही किया। यद्यपि मैं सतगुणी देवताओं के राजा हूँ, किंतु थोड़े से ऐश्वर्य से गर्वित और अहंकार से दूषित हो गया। भला ऐसी दशा में कौन ऐसे ऐश्वर्य को स्वीकार करेगा जिससे उसका पतन हो? हाय हाय, मेरे धन अब ऐश्वर्य को धिक्कार है। अधिकार करने लगे पोस्ट पोजीशन को, बोले क्या होगा अभी त्रिपिष्ट पंग ये सारे तो पतन हो जाऊंगा, मेरा गुरु अवहेलना हो गया। तो प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने यही शिक्षा देते हैं, न धनंग न जनंग न सुंदरिंग कवितांग वा जगदीश कामये, बोले हमेशा यही प्रार्थना करना चाहिए। अगर वो आ जाते हैं तब बुद्धिवृत्ति ठीक से काम नहीं करता है। अगर कोई भोग ऐश्वर्य खराब नहीं है लेकिन कोई आसक्त चित्त वाला के पास आता है तो उनके लिए बीष बन जाता है, और कोई शुद्ध चित्त अनासक्त पुरुष के पास वो ठीक काम करता है। तो इसलिए कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन के अनुसार वो कार्य करता है, उनके दोष नहीं है। और जो ये भोगी आसक्त पुरुष उनके हाथ में चीज आ गया तो वो तो उसको मिसयूज करेंगे, वही हाल हुआ इस बात करें। यह पारंगमष्टम धीषणी तिष्ठन्न कंचन, जदि कोई यह कहे, बोलते हैं कि इंद्र फिर ये भी सोचा, बोला ये तो है लेकिन उनको भी सोचना चाहिए, मैं देवताओं के राजा हूँ, संपूर्ण त्रिपिष्टपम तीन लोक के अधिपति राजा हूँ, और मैं पार्टी में हूँ और सभी के सामने बैठा हूँ बड़े आसन पर, अभी कभी आए कभी कभी हमेशा मुझे उठना ठीक नहीं है, ऐसे भी कुछ बताते उनको सलाहकार थे उनको बताते, बोले सारे ऐसे क्यों आप मानते हैं, आप बड़े हैं, आप जब पोस्ट में बैठते हैं सीट पर हमेशा उनको उठना नहीं चाहिए। ऐसा भी कभी कभी नीति वाक्य में सुनते हैं, कभी कभी बड़े पोस्ट के अधिकारी लोग जब आप आसन पर बैठे हैं तो कोई लोग आए उठना जरूरत नहीं है, बोले हाँ कोई और लोग आए तो आपको हमेशा उठने का जरूरत नहीं, लेकिन कभी आपका स्वयं गुरुजन लोग आ जाए, अति सामान्य व्यक्ति आ जाए तब तो उठना चाहिए। नहीं नहीं, व्यास आसन में बैठा हूँ, विचारपति आसन में बैठा हूँ, तब कैसे उठूँगा? यही एक विचार हुआ था जब श्री बलराम, जो वास्तविक प्रथम एकमात्र आचार्य जीव के आचार्य हैं, वो जब तीर्थाटन में गए थे, नवीशारण्य में पहुँचे थे, नवीशारण्य में पहुँचे थे तो वहाँ जो यज्ञ क्षेत्र में हजारों संख्या में ऋषि मुनियों के ऊपर श्री सुत रोमहर्षण सुत उन्होंने बैठ करके ये प्रवचन दिया करते थे, व्यास आसन पर बैठे थे व्यासपीठ में, तो सभी नीचे बैठ कर सुन रहे थे। तो इति अवसर में श्री बलराम पधारे, जैसे बलराम जी को आए देखे सारे बड़े बड़े ऋषि हजार सब खड़े हुए, बलराम जी हरे बड़े सब खड़े हुए, बहुत सीनियर सीनियर थे सब खड़े हुए, लेकिन रोमहर्षण सुत देखा, बोले मैं तो व्यासपीठ बैठा हूँ प्रवाचक हूँ, वो नहीं उठे, वो नहीं उठे। तो बलराम जी ने बोले अरे ये वक्ता कौन है, ये मैं आया और कोई दूसरे को आया नहीं उठे, मैं आया हूँ, मुझे नहीं पहचाना, क्या भागवत पाठ कर रहा है बोल रहा है। तो भगवान बोले कि वो तो स्वयं आचार्य है, बोले सिखाना चाहिए। तत्क्षणात कुछ ग्रास उखाड़ करके फेंक दी, वो वहीं मर्डर हो गया, मर गया वो। तो भगवान तुरंत दंड दिए। अगर कोई ऐसे सोचे, यहाँ भी इंद्र को कोई बताते हैं, बोले सर आप इतने बड़े पोजीशन सीट में हैं, हमेशा सब जाएंगे थोड़ी उठेंगे, कोई आ गया तो ऐसे उठना क्या आप, ठीक है देख लिए वो अपना काम कर लो। तब इंद्र बोलते बोलते नहीं, कभी कभी ऐसे सलाहकार बहुत मिलते हैं, बताते हैं हाँ ऐसे थोड़ी ऐसे उठना चाहिए, बोलते ऐसे जो सलाहकार मिलते हैं वो लोग सलाहकार कैसे हैं,
उनको बोले सत धर्म का ज्ञान नहीं है। वो सलाह इस प्रकार देते हैं जैसे बोलते हैं हाँ जी नौका पार कर लो, नौका नदी तो है नौका पार कर लो, कौन सा नौका लाए, पत्थर के बना हुआ नौका, अस्म प्रबम, ये सलाहकार ने पत्थर के बना हुआ नौका लाते हैं। पत्थर के बना हुआ नौका आप कभी देखे आपने, अगर नौका नदी में तैरेगा तो नौका भी डूबेगा, उसमें जो जाएगा वो भी डूबेगा, जो लाया वो भी डूबेगा नाविक के सहित। तो बोलते हैं इसी प्रकार जो असत सलाह देते हैं इस प्रकार को मान्य नहीं करना चाहिए। ऐसे संसार में बहुत दुष्ट सलाहकार मिलते हैं जो कई प्रकार से युक्ति बताकर बोलते हैं ऐसे थोड़ी है हम हमेशा उड़ते रहेंगे, नहीं बोलते हैं, उनको धर्म के असली सिद्धांत पता नहीं है, ऐसे सलाह देते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि समाज की व्यवस्था ठीक ठीक से चलेगा अगर इस वर्णाश्रम के ठीक पालन होगा। वर्णाश्रम मतलब चार वर्ण के लोग जो चार प्रकार के सही कार्य करें। बोले कैसे, बोले जो प्रथम वर्ण के लोग होते हैं उन्हीं को सलाहकार होना चाहिए, वो वेद शास्त्र के निचोड़ को समझते हैं, वो बाकी कुछ नहीं काम करेंगे कि पढ़ते रहेंगे पढ़ पढ़ करके दिमाग लगा कर समझेंगे, वही सलाह दे सकते हैं। वही सलाहकार जो ब्राह्मण वर्ग हैं जो वेद शास्त्र को पठन पाठन करते हैं, तपस्या करते हैं, उनको समझते हैं, वही सलाह दे सकते हैं। सलाहकार वो वेद के अर्थ को जानते हैं, सलाह दे सकते हैं। और दूसरे वर्ग के लोग क्षत्रिय वर्ग, वो रूलिंग करें, शासन करें, रूलर हों। तीसरे वर्ग के लोग वैश्य, ये व्यापार आदि करें, व्यापार वाणिज्य करें। और चौथे वर्ग के लोग शूद्र, वो श्रमिक काम करें, तब ठीक ठाक चलेगा। और अगर उल्टा हो जाए, शूद्र बन जाए सलाहकार, ब्राह्मण बन जाए श्रमिक, तो होगा क्या? आजकल ऐसे चलता है, टाइटल चेंज वेंज कर करके वो बेचारे कोटा सिस्टम, नौकरी नहीं मिलता है, वो श्रमिक बनते हैं, और श्रमिक कोटा पा करके सलाहकार बनते हैं। लो तो यही होगा उत्पटन का। तो राजा इंद्र ने कहा, अतः मैं अत्यंत खुले मन से तथा निष्कपट भाव से देवताओं के गुरु बृहस्पति के चरणारविंद में अपना शीश झुकाऊंगा। सात्विक होने के कारण वे समस्त ज्ञान से पूर्णतया अवगत है और ब्राह्मण में श्रेष्ठ है। अब मैं उनके चरणारविंद का स्पर्श करके उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से प्रणाम करूंगा। इंद्र अभी पश्चाताप कर रहा है, उनको समझ में आ गया जो लोग मुझे बताते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसा बोलते हैं कि दुष्ट है, ये पत्थर के नौका में मुझे चढ़ाकर मुझे डुबा के मरवाएंगे, नहीं नहीं मैं निश्चित रूप से अभी खोजूंगा, ढूंढ करके गुरुजी को कहीं से निकाल करके निष्कपट भाव से उनके चरण में सर लगा करके प्रणाम करके उनसे भूल क्षमा मार प्रार्थना करूंगा और भूल स्वीकार करूंगा, ये विचार करता है। जब इस प्रकार विचार इंद्र ने सबके साथ बैठ करके किसी को भेजा, तुरंत फोन भी किया होगा और गुरुजी फोन भी नहीं उठाए, वो तो मूड ऑफ था उनका। और किसी को भेजे भी जाओ देखो कहीं इंद्र है, नहीं तो घर में जाकर पता करो। जैसे पता चला, क्योंकि बृहस्पति वो भी तो कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, वो जानते थे, जैसे उनको पता चला इंद्र अभी पश्चाताप कर रहा है, आएगा मुझे माफ़ी मांगने के लिए, ये घर से भाग गए, चुपचाप घर से बिना बताए गायब हो गए, किसी को बोले नहीं चले गए। जिस समय देवताओं के राजा इंद्र इस प्रकार सोच रहे थे और आपने सभा में पश्चाताप कर रहे थे, तो परम शक्तिमान गुरु बृहस्पति उनके भाव को जान गए, अतः उद्देश्य अदृश्य होकर वे अपने घर से चले गए, क्योंकि राजा इंद्र की अपेक्षा वे आत्मज्ञान से अधिक आगे थे, वो समझते थे अभी की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो अदृश्य हो गए। जब चले गए, यद्यपि इंद्र ने अन्य देवताओं के सहायता से गुरु बृहस्पति की काफी खोजबीन की किंतु वे उन्हें ना पा सके। तब इंद्र ने सोचा, हाय हाय मेरे गुरु मुझसे अप्रसन्न हो गए हैं और अब सौभाग्य प्राप्त करने का मेरा पास कोई अन्य साधन नहीं रह गया। यद्यपि इंद्र देवताओं से घिरे हुए थे किंतु उन्हें मानसिक शांति नहीं मिल सकी। देखिए सब कुछ साधन था, तीन लोग का ऐश्वर्य था, बड़े बड़े देवता थे, अमृत था, अब सुने सब सिद्धाचारण गंधर्व नंदन गानन कल्प वृक्ष कामधनु गाय उच्चस्रवा घोड़ा ऐरावत हाथी क्या क्या नहीं था, वज्र जैसे अस्त्र, सब कुछ होते हुए भी केवल एक कमी हो गई।
ಬಾಸ್. ಜಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾದ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದೋ, ಜಸ್ಯ ಅಪ್ರಸಾದ ನ ಗತಿ ಕುತೋಪಿ, ಕಹೀ ಗತಿ ಹೈ ಹಿ ನಹೀ, ಹೈ ನಹೀ, ಖತಮ್. ಈ ಅವಮಾನ ಹೋಗಯಾ ತು ಭಗವದ್ ಅವಮಾನ ಹೋಗಯಾ ಭಾರಿ. ಇಸ್ಕೋ ಇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಸಮಜ್ ಮೇ ಆ ರಹಾ ಹೈ, ಇಸ್ಲಿಯ ಬೇಚೇನಿ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ, ಕ್ಯಾ ಕರೂ, ಕೋಯಿ ದೇವತಾ ಉನ್ಕೋ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಭಾಲತೆ ಹೈ, ಬೇಚೇನಿ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ. ಜಬ್ ಪತಾ ಚಲಾ, ಪತಾ ಲಗಾಯಾ ಗುರು ಇಸ್ ಘರ್ ಮೇ ಭಿ ನಹಿ ಹೈ, ಕಹೀ ಚಲೇ ಗಯೆ, ಅರೇ ರೇ ರೇ ಗಯಾ, ವೊ ತೊ ತ್ಯಾಗ ದಿಯೆ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಕೋ, ಗುರು ಹಮಕೋ ತ್ಯಾಗ ದಿಯೆ. ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕೋ ಸೋಚ ಕರಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರ ಇತ್ನ ಖಿನ್ನ ಹೋ ಗಯಾ, ಬೋಲಾ ಅಭಿ ಟೈಮ್ ನಹಿ ಲಗೇಗಾ, ಸಾರೇ ಸಂಪತ್ತಿ ಸೆ ಖಿನ್ನ ಹೋ ಜಾಊಂಗಾ, ಕ್ಯಾ ಕರುಂಗಾ, ಓರ್ ಹಮಾರೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಾ ಕೋಯಿ ಸಾಧನ ಭಿ ತನ್ನ ಬತಾನೆ ವಾಲಾ ನಹಿ ಹೈ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ವಹಿ ಹಮಾರೆ ಗುರು ಹೈ, ವಹಿ ಪುರೋಹಿತ ಹೈ. ಪುರೋಹಿತ ಶಬ್ದ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೈ ಪುರೋ ಮತಲಬ್ ಸಾಮನೆ ಖಾಡೆ ಹೋಕರ್ ಹಿತ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ, ಆಪನೆ ಕೋ ವಿಪದ ಮೇ ಡಾಲ್ ಕರ್ಕೆ ದೂಸರ ಕೋ ಹಿತ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ ಪುರೋಹಿತ್ ವೋ ಹಮಾರೆ ಥೇ. ಅಬ್ ಮೇ ಕೈಸೆ ಕೈಸೆ ಮೇರಾ ಉದ್ಧಾರ ಹೋಗಾ, ಕೈಸೆ ಮೇರಾ ಗತಿ ಹೋಗಾ, ಕೈಸೆ ಮೇರೇ ಪ್ರಗತಿ ಹೋಗಾ, ಸೋಚ ಮೇ ಪಡ ಗಯಾ. ಸಾರೇ ದೇವತಾ ಬೋಲ ಚುಪ್, ಈ ಬಾತ್ ಕಿಸ್ಕೋ ನಹೀ ಬತಾನಾ, ಆಪನೆ ಘರ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಇಸ್ಕೋ ಬತಾಂಗೆ ನೀ ನಾ, ಇಸ್ಲಿ ವೇ ಘಟನಾ ಹೋಗಿ ಆಪನೇ ಗಡ್ಬಡಿ ಸೆ, ಹಮ್ ಖುದ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸೆ ಮತ ಗನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಹೋ ಗಯೆ, ಐಸೆ ಭೋಗ ಮೇ ಲಗ್ ಗಯೆ ಕಿ ಆಪನೆ ಗುರು ಕೋ ನಿಂದಾ ಕರ್ ದಿಯೆ, ಓ ಗುರು ಹಮ ತ್ಯಾಗ ಕರ್ಕೆ ಚಲೇ ಗಯೆ, ಬಾತ್ ಕಿಸ್ಕೋ ಪತಾ ನಾ ಚಲೇ. ಸಬ್ ಜೈಸೆ ಕೋಯಿ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಕಿಸಿ ಕೋ ಬಾಹರ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಾ ಜಾಯೆ, ಬಹುತ್ ಟೈಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕರ್ ದಿಯೆ ಪತಾ, ಲೇಕಿನ್ ಯೇ ಜೊ ಅಸುರ ಲೋಕ ಹೈ ನಾ, ಭಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಉನ್ಕಾ ಬರೇ ಗಡಬಡಿ ಹೈ, ಅಸುರ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಬಡೆ ಹೈಟೆಕ್ ಹೈ ವೋ ಲೋಕ, ಜೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಹುತ್ ಉಪರ್ ಹೈ ನಾ, ವೋ ಅಸುರ ಹಿ ಹೋತೆ ಹೈ, ಹಾಂ, ಸೂಪರ್ ಹೈಟೆಕ್ ವಾಲೆ ಥೇ. ಉನ್ಕಾ ಪಾಸ್ ಪತಾ ನಹೀ ಕೌನ್ ಸಾ ಮೆಸಿನ್ ಲಗಾ ಥೇ ವೈಫೈ ಕಾ, ಜದ್ಯಪಿ ವಹಾಂ ಸೆ ಸಾರೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಿಯೆ ಥೇ, ಮೆಸೇಜ್ ಕಿಸೆ ನಹೀ ಮಿಲ್ ಪಾಯೆ, ಲೇಕಿನ್ ಉನ್ಕೋ ಕ್ಯಾಚ್ ಕರ್ ಲಿಯೆ ಉನ್ಹೋನೆ, ಉನ್ಕಾ ಮಿನಟ್ ಮೇ ಮೆಸೇಜ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಹೋ ಗಯಾ, ಅರೆ ಉನ್ಕೋ ಪತಾ ಚಲ ಗಯಾ, ಬಲಿ ಆದಿ ಅಸುರೋ ಕೋ ಯೇ ಮೆಸೇಜ್ ಪತಾ ಚಲ ಗಯಾ ಕಿ ಯೇ ಘಟನಾ ಯಾ ಹುಆ, ಜದ್ಯಪಿ ಪೂರಿ ಪ್ರಯಾಸ ಕಿಯೆ ಥೇ ದೇವತಾಓ ನೇ ಆಪನೆ ಬುದ್ಧಿ ಸೆ ಕಿ ಕಿಸಿ ಕೋ ಪತಾ ನಾ ಚಲೇ ಘಟನಾ, ಲೇಕಿನ್ ದೂಸರೇ ದಿನ ಹೀ ಉನ್ಕೋ ಪತಾ ಚಲೇ, ಕ್ಯಾ ಹೈಟೆಕ್ ಥಾ ಉನ್ಕೆ ಪಾಸ್, ಉನ್ಕಾ ಏರಿಯಾ ದೂಸರಾ ಥಾ, ರೇಂಜ್ ಸೆ ಔಟ್ ಥೇ, ಲೇಕಿನ್ ವೋ ರೇಂಜ್ ಮೇ ಭಿ ಕ್ಯಾ ರಡಾರ್ ಲಗಾ ರಖೇ ಥೇ, ವೋ ಕ್ಯಾಚ್ ಕರ್ ಲಿಯೆ ಯಹಾಂಕಾ ಮೆಸೇಜ್, ಕೈಸೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕಿ ಯೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉನ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಥಾ, ಲೇಕಿನ್ ಪತಾ ಚಲ ಗಯಾ. ದೂಸರೇ ದಿನ ಹೀ ಅವ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬುಲಾಯೆ, ಅವ್ರು ಆಪನೆ ಗುರುಜಿ ಕಿ ಬುಲಾಯೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಶುಕ್ರಕ್ಕೆ ಬುಲಾ ಕರ್ಕೆ ಬೋಲೆ ಗುರುಜಿ ಅವು ಏ ಹಾಲ್ ಯಹಾಂ ಸೆ ಉನ್ಕಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ನ ವಿರೋಧಿ ಕೇಳಮಗೆ ಅವ್ ಗುರು ತ್ಯಾಗ ಕರ್ಕೆ ಚಲೇ ಗಿ. ಐ ಇತ್ನ ಬಡ ಘಟನಾ ನಾ, ಹಾಂ ಆಜಿ ಫೇಸ್ ನ್ಯೂಜ್ ಆಯಾ, ಕರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಜ್ ಭೀ ಆಯಾ. ತಾವ್ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬೋಲೆ ಬಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ, ನಾ ಗುರುಜಿ ಕ್ಯಾ ಕರೆ, ಅವ್ ಕ್ಯಾ ಕರೆ, ತುರಂತ ಸನ್ಯಾಸ ಯಾವಕರ್ ಚಲೋ, ಜಬ್ ಗುರು ತ್ಯಾಗ ದಿಯೆ ತೋ ಓ ಕೋಯಿ ನಹೀ ಬಚಾ ಪಾಯೇಗಾ, ಅಭಿ ಹಮಲಾ ಕರೋ. ಆ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ ತಯಾರ ಬೈಠತ್ ತುರಂತ ಕುಚ್ ಕರ್ ದಿಯೆ, ಚಢಾವ್ ಕರ್ ದಿಯೆ. ಆ ಬಿಚಾರೆ ದೇವತಾಂಕು ವಾಪಸ್ ಕೈಸಿ ಪತಾ ಚಲ, ಅವನಿಗೆ ಪತಾ ತ ಚಲಿ ಗಾ, ಆಯೆ ಗಯೆ ಆಯೆ ತೋ ಐಸೆ ಮಾರೆ ಐಸೆ ಪೀಟೆ ಬಿಚಾರೆ, ಆಪನೆ ಬ್ರೀಫ್ ಕೆ ಸಾಮನೆ ಸಮನ್ ತಕ್ಕ ಉಠಾ ನಹೀ ಪಾಯೆ, ಭಾಗನಾ ಪಡಾ, ಹಠಾತ್ ಆ ಗಯೆ, ಕೋಯಿ ಆಪನೆ ಬಡಿಯಾ ಬಿಸ್ತರ ತಕ್ ನಹೀ ಲೇ ಪಾಯೆ, ಭಾಗ ಭಾಗ, ಕೋಯಿ ಉನ್ಕೋ ಬಚಾ ನಹೀ ಪಾಯೆ, ಐಸೆ ಉನ್ಕೋ ಮಾರ್ ಪಿಟ್ ಕರ್ ಭಗಾಯೆ. ಅಬ್ ಬಿಚಾರೆ ದೇವತಾ ಛೋಡ್ ಕರ್ ಗಯೆ, ಹಾಹಾಕಾರ ಕೆ ಘುಮತೆ ಕ್ಯಾ ಕರೆಂಗೆ, ಅವ್ರ ಬಳಿ ಮಹಾರಾಜ ಇಂದ್ರ ಪದ ಕು ಲೇ ಕರ್ ಬೈಠ ಗೆ, ಆಸಾನ್ ಸೆ ಹಾರ ಗಯೆ, ಆಸಾನ್ ಸೆ ಹಾರ ಗಯೆ, ಕಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ಅಮೃತ ಪೀ ಕರ್ ಭಿ ಜೀತ್ ನಹೀ ಪಾಯೆ, ವಜ್ರ ಆದಿ ಸಾರೇ ಅಸ್ತ್ರ ಹೊತ್ತು ಹುಯೆ ಭಿ ನಾ ವಜ್ರ ಭಿ ಉನ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಥಾ ನಹೀ, ವಜ್ರ ಅಭಿ ಬನ್ನೆ ವಾಲಾ ಥಾ, ತೋ ಈ ಸಬ್ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಹೋನೆ ಪರ್ ಭಿ ವೋ ಜೀತ್ ನಹೀ ಪಾಯೆ, ಹಾರ ಕರ್ಕೆ ಚಲೇ ಗಯೆ. ಅಬ್ ಜಾ ಕರ್ಕೆ ಕ್ಯಾ ಕರ ಗಲಿ ಗಲಿ ಭಟಕ್ತೆ ಹುಯೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಕೆ ಪಾಸ್ ಜಾಕರ್ ಪಹುಂಚೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಕೆ ಪಾಸ್ ಪಹುಂಚ ಕರ್ಕೆ ವಹಾಂ ಕಹೆ, ಜಾಕರ್ ಪಹುಂಚ ಕರ್ ಖೂಬ್ ರೋನಾ ಧೋನಾ ಕಿಯೆ, ಬೋಲೆ ಸಾರ್ ದೇಖಿಯೆ ಐಸೆ ಐಸೆ ಹುಆ, ಉನ್ಹೋನೆ ಆಪನೆ ತೋ ಉನ್ಕೋ ಏರಿಯಾ ದಿಯೆ ಥೇ ಕಿ ಇಸಿ ಏರಿಯಾ ಮೇ ರಹೆ, ವಹಾಂ ಹೀ ರಹೆ, ಲೇಕಿನ್ ವೋ ಮಾನತೆ ನಹೀ, ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಆ ಕರ್ಕೆ ಹಮಾರಾ ಘರ್ ಛೀನ್ ಲಿಯೆ, ಹಮಕೋ ಲೇ ಲಿಯೆ. ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ನೇ ಉನ್ಕೋ ಬೋಲೆ, ದೇಖೋ ಬಲಿ ನಾ ದೇಖೋ ಇಂದ್ರ, ಆಪ್ಕಾ ಏ ಜೊ ದುರವಸ್ಥ ಹುಆ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ಕಾರಣ ಕೇವಲ ಗುರು ಅವಮಾನನಾ ಹೈ, ಬೋಲೆ ಅಭಿ ತಕ್ ಆಪನೆ
सोच रहे हैं कि अमृत पी रहे जो कर जो झगड़ा चल रहा था, क्योंकि देवता और असुरों का हमेशा झगड़ा चल रहा है। बोले इतने बार युद्ध करते करते वो हारते थे, हमेशा हारे थे उन्होंने, कई बार हार चुके थे देवासुर संग्राम से, कई बार हारे हैं ना, हारते तो थे। बोले क्यों हारते थे? क्योंकि आपके गुरु आपका साथ थे, ऐसी बात। और उन्होंने बलि ने अपने गुरु अवमानना कर दिया था, पता है ना, बलि ने गुरु अवमानना कर दिया था, इसी वजह से वो हारते गए हारते गए हारते गए। लेकिन उनको एहसास हो गया और इतने कायदा से उन्होंने अपने गुरु को पटाए, शुक्राचार्य भृगुवंशी ब्राह्मणों को ऐसे सेवा किए जैसे उनके कृतदास है, ऐसे सेवा किए, इतने प्रसन्न करके रखे हैं जिसके कारण से ऐसा उनके समृद्धि है। बोले तेरे स्वर्ग के राज्य क्या है, मुझे लगता है मेरे परमष्टि पद को वे छीन लेंगे, इतने पावर उनका है। ब्राह्मण सेवा से, दान से, ब्राह्मण सेवा से इससे पावर उनको मिला है, वो तो लगता है परमष्टि पद भी ले लेंगे, तू इससे बच नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी ने, सुखदेव जी कहते शुक्रा, हे इंद्र, तुम्हारा शत्रु असुरगण शुक्राचार्य के प्रति अनादर करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, किंतु अब उन्होंने अत्यंत भक्तिपूर्वक शुक्राचार्य की पूजा की है, अतः वे पुनः बलशाली बन गए हैं। अपनी भक्ति के द्वारा उन्होंने अपनी शक्ति इतना बढ़ा ली कि अब वे मुझसे भी मेरा धाम छीन लेने के लिए समर्थ हो चुके हैं। तो इसी को कहते मुकं करुति वाचालं पंगु लंघेति गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीन तारणम। अब इसे प्रसन्न होने से कुछ भी कर सकते हो। तब त्रिभिष्टकम की गणयत्य भेद्य मंत्रा भ्रूणाम। तब शुक्राचार्य के शिष्य असुरगण अपने गुरु की शिक्षाओं के पालन करने से दृढ़ प्रतिज्ञ होने के कारण देवताओं को भी तनिक भी खातिर नहीं किए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा के द्वारा आदेशित हो करके अपनी चिंता को मुक्त हो करके सभी देवता, तो ब्रह्मा जी ने क्या उनको आदेश दिए? ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, ये तो सच है कि राजा, कोई भी राजा या कोई भी व्यक्ति अगर ब्राह्मण गाय और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की कृपा के अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो इन तीनों देवों की सदैव पूजा करते हैं, तो अपनी स्थिति में सदैव बलशाली रहते हैं। बोलते कोई उनको हरा नहीं सकता, ये तीन चीज पर जो उन्हें श्रद्धा रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनके कृपा प्राप्त हैं। कौन तीनों है? देवता, ब्राह्मण, गाय। देवता मतलब भगवान, गो और ब्राह्मण, ये तीनों की कृपा जिसके ऊपर है, वो तीन लोग से कोई शक्ति नहीं उनको परास्त कर सके, पराभव कर सके। तो अभी ये तीनों को पटा कर रखें असुर लोग, इसलिए अब उनका सामना आप नहीं कर सकते। देव शक्ति उनका सामना नहीं कर सकता। देखिए, देव शक्ति से भी और पावरफुल क्या है? अगर भगवान की कोई भक्ति करे, ब्राह्मण की भक्ति करे और गो की भक्ति करे, गो सेवा, ब्राह्मण सेवा और भगवान पुरुषोत्तम की सेवा, ये तीनों की कृपा इतने बलशाली है, ट्रिपल फेज काम करेगा। बोले कोई शक्ति नहीं उसको पराभव कर सकता, ये ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं। बोले मैं क्या कर सकता हूँ? अभी ये तीन शक्ति उनके पास है, गुरु, ब्राह्मण और गाय। दान देखना इतने प्रसन्न करके रखे हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो इंद्र ने बोले तू कुछ तो बताओ, मर गया हम क्या करें? खूब जब रोने लगे ब्रह्मा जी के सामने, तो ब्रह्मा जी ने बताए, हे देवो, मैं तुम्हें त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाने के आदेश देता हूँ। तुम उन्हें अपना गुरु स्वीकार करो, वे अत्यंत शुद्ध एवं शक्तिशाली तपस्वी ब्राह्मण है, तुम्हारी पूजा से संपन्न होकर ये तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति झुकाव को सहन कर सकोगे, तब वो अपना काम कर देंगे। तो ब्रह्मा जी ने बताया, बोले देखो,
बिना गुरु से तो काम हो ही नहीं सकता। अभी आप गुरुहीन हो, आप कुछ भी करो काम नहीं बनेगा, क्योंकि तीन फेज मैंने बताया, एक है भगवान पुरुषोत्तम, दूसरे है ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब गुरु, दूसरे है गो। बोले गाय को आप खिला पिला के संतुष्ट कर देंगे, भगवान की पूजा आज से देवदान और उनका स्तुति गान कर देंगे, लेकिन ये दोनों के साथ के पूजा के परिपाटी सिखाने वाला गुरु होना चाहिए। ये सिखाएगा तो सही, कैसे कब किस प्रकार करूं, वो गुरु ही नहीं है तो भगवान की पूजा कैसे करोगे, गौ की सेवा भी कैसे करोगे, सलाह कौन देगा, सलाहकार ही नहीं है आपके पास। तो इसलिए आपको गौर भगवान की पूजा भी करने के लिए भी समर्थ नहीं हो, क्योंकि गुरु आपके साथ नहीं है। ना ब्रह्मा जी आप बताए, आप जगत गुरु है, आप ही गुरु बन जाए, बोले मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, मैं मेरा पोस्ट अभी मेरे बिजी हूँ, मैं भी कम समाज हूँ। बोले फिर क्या करें गुरु जी, हम ढूंढ ढूंढ कर पता लगे, गूगल में सर्च मारे वो है ही नहीं, वो नेटवर्क जोन से आउट, पता नहीं लगता वो कहाँ है, अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने बोले देखो बिना गुरु के सिद्धि नहीं हो सकता, आपको गुरु एक बनाना पड़ेगा, बताए किसको गुरु बना लें, कोई अल्टरनेटिव। तो ब्रह्मा जी ने अल्टरनेटिव बताया, बोले देखो आपके जो आदित्य गण में से एक ब्राह्मण जिनका नाम त्वष्टा है, ना है हमारे बिरादर है, हाँ चाचा तो है हमारे, बोले उनका जो बेटा है, दो बेटा है, एक बेटा का नाम है विश्वरूप, वो बड़े वेदज्ञ और बड़े पवित्र, बड़े सदाचारी, बड़े संयमी तपस्वी ब्राह्मण है, आप जाओ उनके पास, वो बड़े सच्चे पुरुष है, हमेशा अपने साधन भजन तपस्या में रहते हैं, बड़े विरक्त पुरुष हैं, उनको अपने गुरु वरण करो, तभी आपका काम बन सकता है, और जाओ। तो ब्रह्मा जी से सलाह पा करके वो एड्रेस नोट कर लिए फटाफट, नोट करके इंद्र चंद्र आदि जो बड़े बड़े सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं देवताओं के, सीधा फ्लाइट बुकिंग किए, जो भी किए सीधा अपना अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर होता है उनका, सीधा आए जहाँ विश्वरूप थे, वहीं से देख लिए होंगे सब जगह आके विश्वरूप था, वहाँ कहा कि वहीं पहुँचे। अब विश्वरूप के जहाँ बैठे थे वहाँ पर विश्वरूप हमेशा साधन भजन में रहते हैं, वहाँ पहुँचे, पहुँच करके विश्वरूप के पास बोले बेटा, क्योंकि विश्वरूप उनके भाई है त्वष्टा, उनके बेटा है, मतलब उनका क्या होगा, उनके भतीजा ना, क्या भतीजा लगेगा, और बड़ा क्या हो, तो इंद्र आदि देवता उनके पितृव्य हैं, उनके चाचा हैं, हैं कोई बड़ा पापा कोई छोटे पापा, क्या बोलते हैं अपने, चाचा छोटे पापा को, बड़े पापा को दादा, हाँ ताया, हाँ कोई ताया कोई चाचा, ये सब लगेंगे। अब वो लोग सारे आकर के भीड़ जमा कर बैठेंगे, यो बेचारा बैठे थे आसन में, अब सारे ताता चाऊ ताऊ चाचा सब आके पहुंच गए। विश्वरूप बोले क्या हो गया, सब अपना अपने गाड़ी में आए, पूरे पार्किंग लॉट फुल, हाँ विश्वरूप आश्चर्य क्या घटना है, सारे आए, अरे वो विश्वरूप उठ करके बेचारे मंत्र प्रणाम करने से वो आकर फटाफट धन्यवाद प्रणाम किए, विश्वरूप हड़बड़ा गए, बोले ताऊ हो क्या गया, चाचा हो क्या गया, ना अभी ये बात छोड़ो ताता चाऊ का, हाँ अभी ताऊ चाचा के बात छोड़ो, अभी आप हमारा काम बनाओ, हो क्या गया, आप मुझे क्यों ऐसा सम्मान करते हैं, ना देखो अब बात ऐसा आकर अटका हुआ है, आप ऐसे मत समझो कि हम आपको सम्मान करने के लिए लायक नहीं है, नहीं 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 नहीं, हम हैं बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, पोस्ट पोजिशन में बड़े तो हैं, मानते हैं संबंध में बड़े हैं, लेकिन केवल उम्र में संबंध में पोजिशन में बड़े होने से काम नहीं चलता, हाँ सम्मान तो उनको होना चाहिए जो ज्ञान में बड़े हैं, भले उसका उम्र संबंध कुछ ना हो, अगर समझदारी में वेद ज्ञान में अगर बड़े हैं तो ही सम्मानीय है, उनको सम्मान करने से बनना चाहिए, ये वेदार्थ है वो तो आप जानते ही हैं ना, लेकिन लोक मैंने लोक के बाद छोड़ो, अभी लोग फूक गया हमसे, तुझे क्या पता, तो जो पेपर पर पढ़ता ना घर में बैठा हम घरवाड़ी से छीन गया, यही ना हम भूल रहे घूमने बाहर में,
तो फिर क्या इतना अरे परेशानी बहुत है, रोए सब, रो धोकर बोले बेटा अब ऐसा समय नहीं है कि ऐसा मत करो कि क्यों हमको प्रणाम कर रहे हैं, अभी हम प्रणाम करेंगे तुझे पर छुएंगे, तुझे अभिषेक करेंगे, न क्या हो गया न तू बेटा हमारे गुरु बन जा। अब हाथ पर जोड़ के पीछे पड़ गए, सारे देवताओं घेर करके सारे ताऊ चाचा मिल करके ऐसे उनको खुशामत किए, ऐसे उनको ऊपर चढ़ाए कि विश्वरूप जी बेटा मान जा रहे, अब देखो हमारा ये हाल है, ये हाल है, अब क्या करें। खूब नवरा होकर प्रार्थना करने लगे। जब सभी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे और खूब समझाए, बोले ये मत समझो कि हम आपको गलती से हमको प्रणाम करते हैं स्वागत करते हैं, नहीं, क्योंकि हमसे ज्ञान में बड़े हो, तपस्या में संयम में बड़े हो, तो इसलिए आप सम्मानीय हो, पूज्य हो, तो इसलिए बीरा बेटा हमारा काम कर दो, हम मर रहे हैं। खूब बोले तो उनके अध्याय पूरा हो गया, सारे खून लिए, विश्वरूप आपने कुछ आसन पर बैठे, बोले बैठिए बैठिए। तो उनका पास तो बेचारे तपस्वी थे, कुछ है ही नहीं था सोफा उफा, तो बोले अभी आसन वहीं बैठ जाओ नीचे, वो भी बोले नीचे नीचे बैठ जाएंगे, हाँ अभी तक तू गुरु है, तू ऊपर बैठो हम नीचे बैठेंगे, बैठ गए सब। तो विश्वरूप ने बोले देखो ये समाज में बड़े प्रसिद्ध बात है, सारे शास्त्र में है, ये जो पुरोहित कर्म है ना सबसे गर्हित कर्म है, किसका पुरोहित बनना सबसे नीच कर्म है। अब देवताओं ने पता नहीं राजी होगा नहीं लगता है, ये तो पहले से इसी बात कह रहा है पुरोहित काम वर्हित कर्म है। बोले रामायण में वर्णन आता है कुलगुरु वशिष्ठ स्वयं खोलकर बोलते हैं कि मैं तो कभी नहीं राजी हुआ था पुरोहितगिरी करने के लिए, लेकिन पापा ने मुझे बताया, बोले अरे मूर्ख ये सूर्यवंश के पुरोहित बनो, पिताजी पुरोहित करूँ ना, मैं जानता हूँ ये छोटा कर्म है, लेकिन पता नहीं अगले कहीं कुछ पीढ़ी के बाद में साक्षात परम ब्रह्म भगवान स्वयं बेटा बनकर आएंगे, उनको नामकरण चुड़ाकरण कर्ण भेदन सारे क्रिया तेरे गोद में बैठकर होगा। रे बाप रे बाप, इसी लोभ के कारण 25 पीढ़ियों से गुरु मन पुरोहित बने बैठे, नहीं तो पुरोहित बोले क्यों पुरोहित काम खराब है, बोले पुरोहित काम बताओ मत भारी खराब काम है, बोले क्यों, बोले पुरोहित के जजमान होते हैं और जजमान का सभी प्रकार से अग्र में खड़े होकर हित करना का काम पुरोहित को होता है, हर प्रकार से सहायता करना, कोई विपद में संपद में हित करना, उनको सुरक्षा प्रदान पुरोहित का काम है, इसे हित करना पुरोहित, हर प्रकार से हित करना पुरोहित का काम है। तो करने के लिए शास्त्र विधान के अनुसार उनको उपाय बताएगा, भाई देखो अभी ये दशा तुझे लगा है राहु शनि केतु जो भी लगा है कि ऐसे ऐसे घटना हो गया है, तो उसको निराकरण के प्रायश्चित विधान के लिए इतने सोने चाहिए, चांदी चाहिए, ये पात्र चाहिए, ये कार्य चाहिए, ये फूल, ये फल, ये वो नियम के अनुसार करने के लिए जो विधि बताएं, तो जजमान कहेगा पंडित जी लोभ बहुत हो गया, थोड़ा बजट कम करो। अब वो मानेंगे, वो बोलेंगे कि वो तो बड़ाई कर रहा है अपने कमाई करने के लिए, वो लास्ट में बोलेगा कि तो पुरोहित का होता है और नियम ही वही है, जो सारे पूजा उजा कराएगा जो सब ठीक ठीक से अगर वेद की नीति के अनुसार करा, ये सारे सामग्री चाहिए, वो सामग्री कोई देने के लिए तैयार नहीं है, सामग्री के लिए नहीं नया पैसा कोई खर्च नहीं करेंगे और फल पूरा पूरा चाहेंगे, बेचारा पुरोहित क्या करे, सामग्री के पूरा लिस्ट बताते हैं, बोलते हैं थाड़ ये नहीं हो सकता कम करो, ये कैसे हो सकता है, आप इतने लोभ मत करो, हाँ हम देंगे दक्षिणा आपको देंगे, ये सब इतना क्या बता दिया, ठीक करो लिस्ट बनाओ ठीक से, अब क्या करें, नहीं मानने से गाली देता है, मानता नहीं, अब कांट छांट करेंगे, कांट छांट करके जब करेगा उसको बोलेंगे भाई देखो कुछ नहीं तो 5 मीटर तो कपड़ा लाओ, पुरुषोत्तम भगवान की अर्चना है, सत्यनारायण पूजा होगा, चाहिए ना सही, हाँ हाँ कपड़ा लाएंगे, ऐसा थोड़ी है, बोल दी अरे अब वो लिस्ट लिखाएंगे, बेटा का शादी है, अब पूर्व पंडित जी ने देख करके बोल दिए उसका लग्न में ये दोष है तो गड़बड़ हो सकता है ना, क्या करें ना, एक पूजा करना पड़ेगा, ग्रह शांति सत्यनारायण पूजा कर देने से दोष प्रायश्चित हो जाएगा, तब शादी ठीक हो जाएगा, हाँ हाँ कर लेंगे उसी दिन कर लेंगे ना, हाँ कर लेंगे पहले दिन कर लेंगे, तो सामग्री लिखवा दिए, सामग्री जो लिखवा दिए पहले दिन से युक्ति क्या है, नहीं 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 ऐसे नहीं चलेगा, ढंग से लिखो ये क्या है, उसके मुंह को देखेंगे जजमान के, भैया ठीक से चाहते ना, नहीं 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 पूरा चाहता हूँ लेकिन ये लिस्ट नहीं, एडिट करो उसको,
अब क्या करे, दोबारा लेख करके चश्मा लगाएंगे बैठेंगे, क्या कांड छांट करूं, शास्त्र के अनुसार तो ही सामग्री चाहिए, अगर ठीक से करूं ये सब को समुचित क्रिया उनके निराकरण करूं, उसके लिए सब चाहिए, वो देने के लिए तैयार नहीं है। वो भी कांड छांट करके अल्प बहुत में जो लिखे उसको भी लाएगा नहीं, तो पति पत्नी मार्केटिंग में ले गए, अब बोले शादी के लिए मार्केटिंग भी करेंगे, बेटा के शादी है और पूजा के लिए भी पंडित जी ने लिखे लिस्ट, उसको भी ले गए साथ में, वो भी ले आएंगे। तो पहले गए क्लॉथ मार्केट में, कपड़े मार्केट में जाएंगे, बोले पहले दो, बेटा का शादी हमेशा थोड़ी होता है, एक बार तो करना है, अब सबसे कीमती कपड़ा दो, बोले सबसे 5,000 वाला हाँ दो, उससे ज़्यादा ओवर है ना, उससे ज़्यादा भी दो, यही से सूट खरीदे, अब खरीद कर पैक किए सूट शर्ट, वो आ रहे थे पत्नी वाला और पंडित जी बोले थे ना वो सत्यनारायण के लिए भी कपड़ा चाहिए ना, अच्छा 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 और ले लो, बोले और 2 मीटर दे दो, और 4 मिनट 2 मीटर दे दो, किसके लिए, ना ये तो भगवान के लिए चाहिए। कपड़ा दुकान वाला सोचा तो बेटा के लिए इतने कीमती वाले, भगवान के लिए तो और कष्ट लेंगे, वो निकाला बोले ये दे दूँ, बोले ये अरे सुना नहीं क्या, ना भगवान के लिए चाहिए ना तभी तो दे रहा, अरे पागल कहीं के, भगवान के लिए चाहिए ये कपड़ा थोड़ी ना, हाँ बेटे के लिए, इसने भगवान के लिए, नहीं 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 तू कब से दुकानदारी कर रहा है यार, भगवान के लिए उचित कपड़ा तुझे पता नहीं, भगवान के लिए कौन सा कपड़ा होता नहीं, ये ही तो भगवान के लिए 8 रुपया वाला मार्किन कपड़ा जो होता है मीटर वो चाहिए, ये भगवान के लिए, भगवान उसको यूज करते हैं। बोले भैया ये क्लॉथ मार्केट में ये तो ये नहीं मिलेगा, अब जाओ फुटपाथ में चांदनी चौक में यहाँ मिल सकता है, तो वहाँ गए वो क्या करें, वहाँ गए वहाँ बोले 2 मीटर गए 1 मीटर में ले चले तो 8 रुपया वाला मार्किन कपड़ा ले लिए भगवान के लिए। बोले सुपारी चाहिए 10, सुपारी वाले के पास गए बोले सुपारी दे दो भगवान के लिए, अच्छा अच्छा बोले पागल भगवान के लिए चाहिए ये क्या दे रहे, हमारे घर के लिए थोड़ी चाहिए, हम पान नहीं खाते हैं, हमको वो चाहिए ना भगवान के लिए, ना अरे भगवान के लिए, अरे बिल्कुल सड़ा हुआ रिजेक्टेड जो माल वो भगवान के लिए होता है। तो उस निकाल कर दिए, उसको भी लेकर आए, वो पल पन्नी में बांध करके सारे सामान शादी के मार्केटिंग उसके अंदर डाल के घर में लाए, घर में ला करके वो दूसरे दिन पूजा बैठे, पंडित जी आए सारे सब मुर डाले रंगोली फंगोली डाल कर बैठे, अब भगवान को आवाहन किया, आवाहन संस्थापन सन्निधान सकलीकरण, अब आवाहन करके बैठा दिए, आसन पादासन वस्त्र, मैं बोला था ना कपड़ा लाए ना नहीं वस्त्र दो, हाँ ये कपड़ा तो लाए था ना, लाया तो था, ढूंढो, और ढूंढ ढूंढ कर परेशानी, कोई नीचे कहीं पड़ा है, ऊपर से तो सारे VIP मार्केटिंग हुआ है शादी के लिए, और ठाकुर जी तो VIP है ही नहीं, उनके कपड़ा तो कोई पड़ा है, ढूंढ ढूंढ कर घंटे भर परेशानी, लाया तो था पता नहीं कहीं गिर गया कि कहाँ है पता नहीं, मिल नहीं रहा यार। तो ब्राह्मण बोले चलो कोई बात नहीं, अब क्या करे, लाओ 10 रुपया रखो, 10 रुपया रखे, बोले काम चला बैठ जाओ, और दोनों पति पत्नी बैठे, और क्या करे भगवान तो बैठे वस्त्र पहनने के लिए, 10 रुपया रख करके एक धागा निकाल करके रख दिया, वस्त्राभावे सूत्रम दद्यात, अब क्या कर वस्त्र नहीं, वस्त्र के अभाव में सूत्र से काम चलाओ, एक धागा डाल दिया, एक लाल धागा लाया था ना डोली हाथ में बांधने वाला, इसमें खींच करके एक धागा डाल दिया, भगवान बेचारे काम चलाएंगे धागा में। अगर हम लोग कभी चले गए जल्दी से गमछा भूल गए और यहाँ स्नान करना पड़ा, बोले कोई भाई वस्त्र नहीं है धागा में काम चला लो, चलेगा क्या, नहीं भगवान को चलाना पड़ेगा, वो चला सकते हैं, वो क्या करेंगे, भगवान तो बेचारे ऐसे ही बोलेंगे नहीं कुछ, तो उनके लिए आजकल संसार में पूरी तरह से ठगते हैं भगवान, बेचारे कुछ बोलते नहीं ना, लेकिन बोलते नहीं कुछ, लेकिन सारे नोट करते हैं, देखते हैं सारे। जब भगवान विग्रह रूप में आते हैं तो उनका धर्म है असहाय रूपम, असहाय बनकर के भगवान आते हैं, क्योंकि सेवा लेना चाहते हैं, नहीं तो उनको सेवा की कोई पड़ी है। लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सभ्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि, हजारों हजारों सकड़ों सौभाग्य की देवी लाइन में खड़े हैं सेवा करने के लिए, हम जैसे गाय के गोबर का सेवा क्या जरूरत है उनको, मार्किन कपड़ा देंगे उनको, पीताम्बर धारी है अम्लान वस्त्र है, लेकिन हम जैसे
नालायक के सेवा किए बिना हम सुधरेंगे नहीं, हमारे सेवा स्वीकार करने के लिए जड़ वस्तु के रूप में जड़ विग्रह बन करके सामने आए असहाय रूप में, आप जब पहनाओगे पहनूंगा, आप खिलाओगे तो खाऊंगा, आप सुलाओगे तो सोऊंगा, आप नहलाओगे तो नहाऊंगा, पूर्ण असहाय रूप में हमारे सेवा लेने के लिए। अब देखते हैं कैसे सेवा करते हैं। तो हाँ, ऐसी सेवा करते हैं। नोट हो रहा है, सारे नोट हो रहा है। यही हमारे सब अभी पुरुषोत्तम मास में कई जगह में इसे पूजा होता होगा, जाकर देखना, यही चलता होगा। तो इस प्रकार इसलिए पुरोहित कर्म बिचारे लिस्ट सही प्रकार से दो तो जजमान गुस्सा होता है, और नहीं दो तो फल बलगाने आशा रहता है, तो क्या करें, तब भी गाली देता है क्योंकि ठग दिया, कोई काम नहीं बना, तो पूजा किया, ग्रह संत नहीं हुआ, अरे ग्रह शांति कहीं हुआ, तो कपड़ा तो लाया नहीं, ग्रह शांति क्या करूँ, ये पूजा ऐसे कैसे शांति होगा अशांति कार्य में। तो इसलिए पुरोहित काम बड़े उत्पटांग है, दोनों तरफ से मरेगा, नहीं करो तब दोषी, करो तभी दोषी। तो इसलिए पुरोहित काम नहीं करना चाहिए। अब जब ऐसे बताया विश्वरूप ने, सारे देवताओं काम गए, बोले रे बेटा दोबारा प्रणाम किए, रे मान जा रे। तब विश्वरूप बोले, अब रो मत, मैं मानता हूँ पुरोहित काम बड़े निंदित कर्म है, गर्हित कर्म है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप मेरे ताऊ चाचा इतने बड़े बड़े पोस्ट पोजिशन वाले, दुख में जर्जरित होकर के मेरे सामने आपको प्रार्थना करते हैं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो जाए, मेरा मान धर्म नीचे चले जाए, लेकिन आप मेरे पितृव्य हैं, वो ऐसे तकलीफ में आकर रोते हैं, मैं आपके उपकार करने के लिए ये निंदित कर्म भी स्वीकार करूंगा। अरे राजी हो गया कि खूब खुश हो गए, तुरंत वर्ण किए, पानी ला कर उनके चरण धोए, चढ़ा दो कुछ शर्म छिंचे और कपड़ा पगड़ी बांध दिए, तू आज से हमारा आचार्य पोस्ट में आ गए। विश्वरूप का आचार्य वर्ण किए, आचार्य वर्ण करके सारे देवता बैठ गए, बैठ करके बड़े ध्यान से अब उनसे गुरु रूप में मान के सारे अनाउंस कर दिए, नोटिस बोर्ड में लगा दिया, एडवर्टाइज कर दिए, व्हाट्सएप में मैसेज भेज दिए, नाउ न्यू अपॉइंटेड गुरु विश्वरूप सन ऑफ तोष्टा। अरे है तुम्हारे भतीजा, अरे भतीजा भतीजा छोड़ो, काम बनने वाला है, चुप सब, नो ऑब्जेक्शन, इंद्र नो ऑब्जेक्शन किया। सबको प्रणाम करना पड़ेगा भाई, लेकिन ब्रह्मा जी ने यहाँ कहते हैं, बोला देखो इंद्र, मैं तुझे बताता हूँ, विश्वरूप जो है बड़े काम के चीज, इतने तपस्वी हैं, इतने साधना किया है मंत्र को, वो काम कर सकता है, लेकिन गड़बड़ी यही है ना सर, क्या है ना गड़बड़ी यही है, वो आपके भतीजा तो है, लेकिन पता है ना आपके भाभी जी कौन है, पता है कौन है ना, उनके ओर से हैं, उनके सिस्टर हैं ना, हाँ है, तो इसलिए वो मामा के माँ के प्रति भी थोड़ा उनके स्नेह तो रहेगा भाई, बेटा है माँ के प्रति थोड़ा झुकाव है, तो माता के झुकाव के प्रति कभी कभी आपने मामाओं के काम भी कर लेता है। मामा कौन है, असुर लोग, असुर लोग मामा बने, तो इसलिए आप उनको सहन कर लोगे ना, ना गुरु जी ब्रह्मा जी अब घर वाड़ी कुछ ही नहीं है, खाने के लिए दर भटक रहे हैं, आप वो सब सहन कर लेंगे, नाउ आप प्रॉब्लम एडजस्टेड, वहाँ से सब राजी होकर आए, तो ब्रह्मा जी बोले देखो अगर सहन कर लोगे, क्योंकि कभी कभी ऐसे आपका गुरु बनेगा तो काम तो आपका ही करेगा, अच्छा लड़का है, लेकिन क्या करें, मामा तो उनका ही है ना, निजी सगा मामा है, तो कभी कभी उनके काम भी कर सकता है, तो आपको उनको सहन करना पड़ेगा। इंद्र बोल, पहले ब्रह्मा जी ने बता दिया, बोले देखो ये मैं बताता हूँ, सावधान, बाकी कोई क्वालिफाइड कैंडिडेट आपके गुरु बनने के लिए भी है ही नहीं मार्केट में, एक ही है, और उसका यही गड़बड़ी है कि माँ उनके उनके तरफ का है, वो सारे मामाओं आपके आपके हैं, अब तो इसलिए उनको संभालना पड़ेगा ना, ठीक है संभालेंगे और क्या करें, तो सब संभाल करके एडजस्ट करके गुरु बनाए, अब विश्वरूप को वर्ण करके ले करके जब गुरु आसन में बैठा दिए सारे विश्वरूप ने, तब फिर अपने पिताजी से, पिताजी तो आदित्य थे ही देवता थे, माँ से सबसे आशीर्वाद ले करके, और उनके भलाई करने के लिए, देवताओं के सुख पहुँचाने के लिए, उनको उचित काम कराने के लिए उचित किया था, उनके साम्राज्य उनको वापस चाहिए,
उनको धन संबंध वापस चाहिए, इंद्र राजा बन करके बलि बैठा है, उनसे छीन कर उनको देना था। न्यास अंग न्यास करण न्यास सब न्यास करने के बाद में आसन भूत करके बैठो, बैठने के जब हो गया सारे मंत्र को धारण करना होता है, क्योंकि मंत्र को सिद्ध करने के लिए स्वयं शुद्ध होना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा, मंत्र शक्ति को धारण करना पड़ेगा, सारे दिग्बंधन द्वारा मंत्र को धारण करके मंत्र द्वारा शरीर को शोधन करना पड़ेगा, शरीर के अलग अलग अंग में जोड़ों में सब जगह मंत्र शक्ति को डिपोजिट करना पड़ेगा, मंत्र शक्ति को लगाना पड़ेगा, वहाँ से रखना पड़ेगा प्रति जगह पर, रख करके धारण करके तब जा करके ये पूरा क्रिया मुद्रा सर हो जाने के बाद में तब उनको शिक्षा देने में देंगे, ये महाविद्या सिखाएंगे, वो नारायण कवच की उपदेश करेंगे। वो नारायण कवच की उपदेश भगवान की सबसे प्रिय भगवान पुरुषोत्तम के कवच है, श्री नारायण कवच। अभी तक संसार में जितने कवच समझते हैं ना आपको, रक्षा करने वाले जो बड़ी गार्ड, बड़ी गार्ड तो आदमी को भी कहते हैं कवच कहो, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताने, सील, या सील बोलते हैं उसको, जब सील, वो सील को धारण करेंगे, ये नारायण कवच ऐसे कवच है, और ये तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ कवच है। इस महाविद्या, ये महाशक्ति महाकवच को उनको साध्य कराएंगे, हो सके तो कल नारायण कवच को कल उनको थोड़ा बहुत करवाएंगे, अभी समय आज का हो चुका है, तो अब आज की कथा ही समाप्त करते हैं, काल से समय पर आएंगे। तो जब हम शुरुआत में पुरुषोत्तम वंदना करते हैं, जगन्नाथ अष्टकम और चौराग्र पुरुषोष्टकम, मैं देखा कि आप लोग को पढ़ नहीं पाते ढंग से, आप लोग का आपको मोबाइल में हिंदी में है, डाउनलोड करके लाइए, नहीं तो आप कॉपी प्रिंट आउट करके लेकर नहीं आइए तो आप आसान से पढ़ सकते हैं, और कोई एक दिन उसका थोड़ा भी कोशिश करेंगे कुछ अर्थ करने के लिए, लेकिन कम समय में, क्योंकि कथा को लेट हो जाए उसको करेंगे। हरे कृष्ण। समवेत भक्त वृंद की, भगवान पुरुषोत्तम देव की, श्री जगन्नाथ भगवान की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।